नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की। कमलनाथ ने कांग्रेस की हार स्वीकारते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का फैसला स्वीकार है, जनता ने जो हमें मत दिया हम उसका सम्मान करते हैं। कमलनाथ ने बीजेपी को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को जीत की बधाई देता हूं, आशा है वह उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कमलनाथ ने कहा कि प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं, हम हमारा कर्तव्य निभाते रहेंगे, किसानों की मजबूती, युवाओं की चुनौतियों के लिए काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी एमपी के मतदाताओं पर भरोसा करता हूं, हम नतीजों पर विचार करेंगे और अपनी कमियों पर चर्चा करेंगे, सभी प्रत्याशियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकालेंगे, किन कमियों के कारण हारे उस पर मंथन करेंगे, हार के कारण का पता लगाएंगे, विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए, हर उम्मीदवार से चर्चा करके वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आ ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी को वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले एक महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।